तो आप देखें कि आपके वालिद को जूतियां मारते हुए वो लेकर जाएंगे क्योंकि ऐसे जानवर का घर में कोई काम नहीं है डोमेस्टिक तो वायलेंस का मैं केस दायर करूंगा और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा हिम्मत वही वाली हिम्मत लेकर आए कि जब ये ऐसा बंदा आपकी बीवी के साथ ऐसा मामला करे आपके बच्चों के साथ मामला करे तो आप उनके डिपेंडेंट है। हैं स्टैंड तो आप ले सकते हैं ना आज हम लोगों की लव मैरिजेस के लिए हम कैसे वालदेन के आगे आके खड़े हो जाते हैं ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग uh, की जाती है और हमारे सब कॉन्टिनेंटल में ये जो माँ बाप को एक भगवान बनाकर पेश कर दिया जाता है ना कि वो खुदा बन के बैठ जाते वो जानवरों की तरह आपकी माँ को मार पीट रहा है वो उसने दीवार में उनका सर मार दिया उनके होंठ खेच रहा है असला आपने जो ये सारा लिखा है एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है वो वॉइस uh, नोट किया करें ताकि मेरे लिए बात सुनने में और समझने में आसानी हो अक्सर वर्ड्स वगैरह पढ़ने और इतना लंबा मैसेज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है जो आपने सिचुएशन बयान की है कि जहाँ तक मुझे है कि आपने लिखा है कि वो मेरे फादर भी नहीं है यानी कि step father हैं। अगर आपके अगर स्टेप फादर हैं या रियल फादर भी अगर हैं तो उनको ये सब हरकतें करने का राइट right, ना इस्लाम देता है ना उनको जो है कोई कानून देता है अगर वो आपकी वालिदा को इस हद तक मार रहे हैं, तो ये आपकी वालिदा के ऊपर है कि वो स्टैंड लें और उनके खिलाफ जो है वो पुलिस कम्प्लेंट करें और उनसे जो है वो खुला लें या वो उनसे क्योंकि ये कोई राइट ये हम लोग वही बात के जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों बराबर होते हैं आप अपनी वालिदा को ये बात समझाइए दूसरा आप बेटे हैं आपका पूरा मतलब राइट है आप अपनी वालदा को प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे हैं किसी का कोई हक नहीं है कि कोई किसी को ऐसे जानवरों की तरह पीटे जैसे आप बता रहे हैं ना ही कोई तजलील का को इस्लाम भी किसी को राइट नहीं देता कानून भी किसी को राइट नहीं देता एक आप एक मरतबा वालिद के सामने खड़े हो जाए और उनको बोले आपने ये दोबारा अगर हरकत की तो मैं वन फाइव पे कॉल करूंगा और मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगा तो फिर देखिए कि वो किस तरीके से दोबारा ये हरकत करते हैं अपनी वालदा को कहें कि वो अपनी विल पावर स्ट्रोंग करें और वो इमोशनली हो के जो है वो इस मैटर को डील करें हम लोगों ने जब ऐसे मतलब जानवर लोगों को छूट दी हुई होती है तो वो तभी जलील करते हैं तभी जो है जैसे आपने बताया कि वो होंठ खींच रहे हैं और वो बाल खींच रहे हो वो इतने आप बड़े हो गए तब भी वो उनको अगर मारते पीटते हैं चाहे आपकी एज जो भी हो आप अपने वालिद को जो है वो देखें अदब एक अपनी जगह पे है और वो उनका मकाम अपनी जगह पर है अगर आप अलीहदा नहीं हो सकते हैं आप उनके डिपेंडेड हैं स्टैंड तो आप ले सकते हैं ना आज हम लोगों की लव मैरिज के लिए हम कैसे वालदेन के आगे आके खड़े हो जाते हैं और फिर पूरी दुनिया एक साइड के ऊपर होती है और हमारी बगावत एक साइड पे होती है तो माँ की दफा क्या हो जाता है वो जानवरों की तरह आपकी माँ को मार पीट रहा है वो दीवार में उनका सर मार दिया उनके होंठ खेच रहा है जाकर आप उनका मेडिकल करवाएं और पुलिस में कंप्लेन करवाएं अब अगर आपके गए हैं कि भाई आपकी वालिदा जो हैं वो भी साथ नहीं दे रही हैं इस मामले में और वो मारे खाई जा रही हैं तो फिर तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला बराबर है अगर आपकी वालदा कहती हैं कि भाई तुम हमारे पर्सनल मैटर में मत आओ मैं जानू तुम्हारा बाप जाने और तुम इसमें मत आओ तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते अगर आप कहेंगे भाई आपको तकलीफ होती है देखते तो आपकी वालदा खुद तकलीफ सह रही है वो जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म सह रही है दोनों बराबर हैं ये बात मैं आपको बता दू इस्लाम की रूह से मैं बता दू अगर वो आपके ऊपर ऐसा कोई अटैक करते हैं आप सीधे हो जाए ये मैं आपको बिल्कुल राइट ये जो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग uh, की जाती है और हमारे सब कॉन्टिनेंटल में ये जो मां-बाप को एक भगवान बनाकर पेश कर दिया जाता है ना कि वो खुदा बन के बैठ जाते हैं ये बहुत रॉन्ग कांसेप्ट है ये जो कुरान में आया कि वालिदैन को उफ ना को ये उर्दू वाला उफ नहीं है ये अरबी वाला उफ है कि भाई आप उनको जो है वो ऐसा बैड जेस्चर नहीं दे सकती हैं और वो बिला का है जैसे हूँ ऐसे करने वाला होता है ना ये एक बैड लैंग्वेज नहीं कर सकते ये नहीं है कि आप डायलॉग नहीं कर सकते ये नहीं है कि आप डिस्कशन नहीं कर सकते ये नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते आप इज़्ज़त एहतराम के दायरे में उनको लास्ट वार्निंग दें या आप उनको वार्न करें कि अबा जी इज़्ज़त कर रहे हैं आपकी तो इज़्ज़त बचा लें अगर अब आपने वालदा को हाथ लगाया या इस घर में किसी की भी तजलील की या कोई तमाशा किया तो हम वन फाइव पर कॉल करेंगे या पागल खान कॉल करेंगे वो आपको आके उठा के ले जाएंगे अगर तो आपने ये बाज रहना है या नहीं रहना आप वुमेन राइट्स वालों को कॉल करें ह्यूमन राइट्स वालों को कॉल करें बालदा की हालत उनको दिखाएंगे भाई इसके होंठ खींचे हैं इसको जानवरों की तरह मारा पीटा है तो आप देखें कि आपके वालिद को जूतियां मारते हुए वो लेकर जाएंगे क्योंकि ऐसे जानवर का घर में कोई काम नहीं है कोई राइट नहीं पहुँचता उसको इस तरीके की हरकत करने का आप तमाशा देख रहे हैं यही आपकी बीवी के साथ उसने किया होता तो आप आप देखते आप तो मुझे मैसेज भी ना करते तो बाप की आपने ऐसी की तैसी फेर देनी थी तो माँ की दफ़ा क्या हो जाता है माँ की दफ़ा बस हम खामोश हो जाते हैं कि भाई बस ठीक है माँ को है कुट खाई जाए उससे शादी की है वो 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 जाने उनका काम जाने तो आप बेटे किस चीज़ के हैं मर्द आपको किस चीज़ का बनाया है ये नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि बाप का सर फाड़ दें बट उसको वो तो करें अगर वो फिर भी बाज नहीं आता है तो फिर आप जो है वो कानूनी कार्रवाई करें उसके ऊपर कि भैया मेरी माँ को इस तरीके से मारता पीटता है और इस तरह से घर में तमाशा खड़ा करता है अब अगर वो दौलतमंद है मुझे आपने इसमें मेंशन नहीं किया कि क्या आप लोगों का सिस्टम है अगर वो दौलतमंद है अगर आप उनके डिपेंडेंट हैं अगर वो आपको कहते हैं जी मेरा बेटा नहीं है ये काफिर है फलां है ढींग है तो फिर आप निकल जाए आप अलग हो जाए उनसे सिंपल जाकर अपनी इज्जत की रोटी कमाएं छोड़ दें उनको मतलब एक इज्जत से आबरू से अपनी जो है वो इज्जत से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं होती अब अगर आप कहें कि भाई हमारा गुजारा भी नहीं है हम अलग भी नहीं हो सकते हैं माँ भी स्टैंड नहीं ले सकती है तो फिर आप माजरत के साथ मारें कुटे खाएं उनकी वो अगर जालिम बने हुए हैं तो फिर आप मजलूम जब तक खुद के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा उसके लिए तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से किसी को बोल दूँ या आपकी आप किसी को बोल दें आपकी वालदा मुकर जाएं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा है मैं जानू में गिर गई थी या वो आपने देखा नहीं कितने ऐसे केसेस होते हैं फिल्मों ड्रामों में आपने देखा नहीं क्या दिखाया जा रहा हो तो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती हैं बंदियाँ बन्न, बंदों के हाथों से मगर ये जो, वो बराबर की शरीक होती हैं उस गुनाह में वो जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म सह रही हैं आपका जो इस मामले में काम है वो ये नहीं है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें अपने वालिद को वॉर्न करें अगर वो बाज नहीं आते हैं आप अपनी वालिदा को बोलें कि ये तमाशा अगर इस घर में लगेगा तो इस घर के अंदर हम तो अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम आपके डिपेंडेंट हैं अगर आपके वालिद कमा के लेकर आ रहे हैं और वो जुल्म भी कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो उस चीज को वो कहते हैं एक मिसाल है पास कर या बर्दाश्त कर अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पास कर जाएं आप निकलें जाएं जाकर जो है वो कहीं किसी ढाबे पे नौकरी कर लें इज़्ज़त की कमाई आप कमाएं खुद खाएं आराम से अपनी वालदा को भी अलग कर लें अगर आपकी वालदा नहीं होना चाहती हैं तो वो रहें फिर वो उनके साथ जो उनके साथ जो उन्होंने जहन्नुम अपने लिए दुनिया बना ली है वो उनका जुल्म सहें वो जानें उनका काम जाने आप अपने आप को अलग कर लें सेल्फ मेड बन जाएं मगर अगर आपने है कि भाई बाप के पैसों पे ही मैं डिपेंडेड हूँ और बाप ऐसा जुल्म भी कर रहा है एक बार वार्निंग उनको दे दें उन्हें कहें कि यह आपका राइट है कि आपने हमारे ऊपर खर्च करना है हम लोगों का कोई और सिस्टम नहीं अगर नहीं है तो फिर आप जहाँ पर जायदाद जो है वो हमें दें हमारा हिस्सा दे दें सिंपल अगर आपने वो भी नहीं करना है तो फिर आइंदा आपने ऐसा कोई भी वायलेंस क्रिएट की डोमेस्टिक वायलेंस का मैं केस दायर करूंगा और मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा एक बार कह है कि तो देखें देखिए इस तरह के जानवर इसी तरह से तुक्के की तरह सीधे हो जाते हैं क्योंकि वो जो जानवरों वाला बर्ताव कर रहे हैं जो आपने पूरा की पूरी डिटेल लिखी है तो इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है और वो हिम्मत वही वाली हिम्मत लेकर आए कि जब ये ऐसा बंदा आपकी बीवी के साथ ऐसा मामला करे आपके बच्चों के साथ मामला करे तो आप क्या करेंगे वही वाला उसूल यहाँ पे अपनी माँ के लिए भी इम्प्लीमेंट कीजिए इसके हवाले से मैं यही कह सकती हूँ क्योंकि ये जो सिचुएशन आपने लिखी है प्यार से तो ये समझने वाला है नहीं समझा के देख ले प्यार से अगर प्यार से समझता है ठीक है नहीं समझता जो भी आपकी एज है आप स्टैंड ले जाएं, कानून के आप जाएं, उनको बोले मैं सोशल मीडिया पे आपकी ये वीडियो बना के मैं वायरल करूंगा, ये सारी हरकतें करूंगा अगर वो आपको भी मारते पीटते हैं अपना मेडिकल करवाएं जाकर उसके ऊपर केस कर दें सिंपल